हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए बहुत ही प्यारा सा इस प्रकार की डिजाइनर स्लीव्स की कटिंग और इसकी सिलाई बताऊंगी। तो देखिए, मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि बिना बकरम यूज किए आप कैसे बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। यानी कि देखिए, मैंने इसमें बकरम यूज नहीं किया है। तो पहले देखिए हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए पहले देखिए मैंने लाइनिंग लिया है, तो देख सकते हैं ये डबल में है और इसको एक फोल्ड और कर लेंगे। यानी कि ऐसे ही चार फोल्ड में मैंने कर लिया है। ये थोड़ा यहाँ पर जो कम है ये मैं बाद में ज्वाइंट लगा लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो टोटल लंबाई है मैंने 12 इंच लिया है। 11 इंच तैयार रखना है स्लीव्स, तो ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में। अब देखिए यहाँ ऊपर से ऐसे 3.5 इंच में निशान लगाएंगे। या एल्बो स्लीव्स है तो मैंने 3.5 इंच लिया है। अगर छोटा हो, 4-5 इंच हो स्लीव्स की लंबाई, तो उसमें 2.5 या फिर 3 इंच भी ले सकते हैं। और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए सीधा करने के बाद यहाँ पे ये मैंने 6 इंच आर्म होल कटिंग किया था बोटने के ब्लाउज में, तो उससे लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए देखिए 1.75 इंच में निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे इसकी गोलाई देखिए मुझे 105 इंच रखना है, तो 105 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे और दोनों को इस प्रकार मिला लेंगे। और इतना ये देखिए सिलाई मार्जिन हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इसकी गोलाई देने के लिए यहाँ की टोटल लंबाई नाप लेंगे, तो ये 1.75 इंच है, तो उससे हाफ यहाँ पर लेंगे, तो ये लगभग 3.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊँगी और इसको ऐसे मिला लेंगे। देख सकते हैं ऐसे तिरछा मिलाने के बाद यहाँ पर ऐसे गोलाई के साथ कटिंग करेंगे और यहाँ पर ऐसे ये स्ट्रेट कटिंग हो जाएगा। देख सकते हैं इसे कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम स्लीव्स की घेराव कर लेंगे फ्रंट साइड में। और उसके बाद देखिए ये जो कम पड़ रहा था मेरा यहाँ पे, तो ये मैं ज्वाइंट लगा लूँगी। तो जितना कम है उसे लगभग ये मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है चौलाई में। और इसको ऐसे बीच से कट कर लेंगे, दोनों साइड में ज्वाइंट करना है। तो एक पीस को ऐसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और दूसरे को ऐसे नीचे की तरफ से रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ज्वाइंट लगा लिया है। देखिए ज्वाइंट लगाने के बाद इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल उसी प्रकार ऐसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस साइड से देखिए ऐसे बराबर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लीव्स की कटिंग हो गई। आप देखिए इसको ऐसे मेन फैब्रिक पे रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने से पहले देखिए जो बॉर्डर है, बॉर्डर को मैं यहाँ से निकाल देती हूँ और ये मैं बाद में ज्वाइंट कर लूँगी। निकालने के बाद देखिए इस कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड करेंगे। और इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग को रखते हुए सेम बराबर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग करने के बाद अगर इसमें भी आपका कपड़ा कम पड़ जाता है, तो जैसे मैंने इस लाइनिंग में ज्वाइंट लगाया है उसी प्रकार आप मेन फैब्रिक में भी लगा सकते हैं। अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने से पहले देखिए यहाँ पे हमें डिजाइंस बनाना है, तो डिजाइंस के लिए पहले निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे तो देखिए 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और उसके बाद देखिए लगभग 2 इंच बॉर्डर की चौलाई है, तो उतना पे ऐसे निशान लगा लेंगे। और इसके ऊपर के साइड में ही हम डिजाइंस बनाएंगे। तो यहाँ भी देखिए ऊपर से भी लगभग 1/2 इंच या फिर 1/4 इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने 1/2 इंच लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ये बॉर्डर लगेगा वहाँ तक ऐसे नाप लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये है 1/4 इंच, तो 1/4 इंच को 3 से डिवाइड करेंगे। तो देख सकते हैं ये मैंने इंची टेप को 3 फोल्ड कर लिया है वहाँ तक, तो ये 3 इंच से 1 पॉइंट कम आया, तो उतना पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी। मैंने देखिए इंची टेप को 3 फोल्ड किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 कट बनाना है। जितना कट आपको बनाना है उतना फोल्ड करते हुए देखिए सेम बराबर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यानी कि देख सकते हैं ये मैंने 3 भागों में इसको सेम बराबर भागों में बाँट दिया है। अब देखिए इन तीनों के सेंटर में एक और निशान ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए सीधा करने के बाद यहाँ से ऐसे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी, यानी कि तीनों पे ऐसे 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहीं से देखिए ऐसे गोलाई के साथ यहाँ पे मिला लेंगे। यानी कि देखिए मुझे इसी शेप में कट बनाना है, तो ऐसे ही गोलाई के साथ मैं यहाँ पे मिला लेती हूँ। देख सकते हैं इसे मिलाने के बाद सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। यानी कि थोड़ा सा 2 पॉइंट ऐसे छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। देख सकते हैं ये मैंने कटिंग कर लिया है। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे कट तैयार हो गया है। अब देखिए जितना मैंने उस साइड में कपड़ा छोड़ते हुए कट किया है, उतना ही इस साइड से भी ऐसे पकड़ते हुए सिलाई कर लूँगी इसके ऊपर। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार मैंने इसमें भी कट कर लिया है।
अब देखिए इसको मेन फैब्रिक पे रखते हुए डिजाइन तैयार करेंगे। तो उसके लिए पहले देखिए जो मेन फैब्रिक है इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। देखिए फोल्ड करने के बाद यहाँ सेंटर में एक बीचों बीच सीधी निशान बनाएंगे। और इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे और उसके बाद देखिए ऐसे लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे, यानी कि जो मैंने बीच में निशान लगाया है उसको देखिए ऐसे सेंटर में रखते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो पहले देखिए जो बीच वाला मैंने निशान बनाया है उसी के ऊपर ऐसे सिलाई करते हुए लाइनिंग को इसमें अटैच कर लेंगे। ताकि यह इधर उधर ना हो और बिल्कुल सेंटर में ऐसे फिक्स हो जाए। इसके बाद देखिए जो मैंने सेंटर में निशान बनाया है उससे जस्ट बगल से यहाँ पे सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि बीच में थोड़ा सा देखिए कट करने के लिए कपड़ा छोड़ देंगे। और इस साइड से जितना मैंने ये निशान लगाया है देखिए बिल्कुल ऐसे निशान के ऊपर ही सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए बीच वाली सिलाई में टच नहीं करना है, उससे पहले ही ऐसे मशीन को घुमा लेना है। और उसी प्रकार देखिए ऐसे पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं ऐसे सिलाई करने के बाद ये जो बीच वाली सिलाई मैंने किया है इसको पहले ऐसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ऐसे सिलाई के पास तक कट कर देंगे, ध्यान से सिलाई नहीं कटे। और उसके बाद देखिए इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, यानी कि सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ऐसे कट कर देंगे। और देखिए कट करने के बाद ऐसे पूरी गोलाई में कट लगा लेंगे छोटा छोटा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने नहीं सिलाई किया है नीचे की तरफ, तो यहाँ भी ऐसे हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई कर लेती हूँ। देख सकते हैं ऐसे सिलाई करने के बाद इसको अब हम ऐसे सीधा करेंगे। तो इसका जो कॉर्नर है देखिए कॉर्नर को अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो उसके लिए आप कोई भी पतला चीज यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने मशीन का सुई लिया है, इसके पीछे की तरफ से ऐसे देखिए अंदर से पुश करते हुए इसको सीधा कर लूँगी। तो देखिए ऐसे सीधा करने के बाद इसके ऊपर ऐसे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से दब जाए। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे किनारे किनारे पूरे में सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ भी इसके ऊपर से भी सिलाई करेंगे। और इधर सिलाई करने के बाद देखिए ऐसे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए इसे पूरे में सिलाई कर लेंगे। और सिलाई करने के बाद ऐसे मेन फैब्रिक जो बढ़ जाता है बिल्कुल ऐसे लाइनिंग के बराबर कटिंग कर लेना है। और उसके बाद देखिए जो बॉर्डर मैंने अलग किया था इस बॉर्डर को ऐसे बीच से कटिंग करते हुए दोनों पे लगा लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ये मैंने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए सुई की मदद से बांध देंगे। तो ये मैंने डबल धागा लिया है सुई में, ऐसे गांठ लगा लेंगे एक साइड में। उसके बाद देखिए इसे उल्टे साइड से पकड़ते हुए यहाँ पे अच्छे से बांध लेंगे। और बांधने के बाद देखिए यहाँ पे बटन अटैच करना है, तो ऐसे सुई को बाहर की तरफ लाएंगे सीधे साइड में और यहाँ पे देखिए इस बटन को अटैच कर लेंगे। और बांधने के बाद सुई को ऐसे देखिए उल्टे साइड में लाते हुए धागा कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ये मैंने दूसरा बटन भी अटैच कर लिया है। और यहाँ ऊपर की तरफ भी देखिए वैसे ही सुई से बांध लेंगे थोड़ा सा ऐसे पकड़ते हुए।
और ऐसे कट कर लेंगे धागे को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऊपर की तरफ ही बटन अटैच नहीं किया है, अगर आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। यानी कि देखिए मैंने बीच में ही सिर्फ दो बटन अटैच किया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बटन लगा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ये मैंने दूसरा स्लीव्स भी तैयार कर लिया है। तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।